तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरा म्यूजिक से रिलेटेड चैनल है वेव्यास म्यूजिकल लाइफ, और मैं आज जो है हमारे उस्ताद खान साहब कल्लन हैं हमारे साथ में, और हम एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं आज। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आपने गायकी शुरू कैसे? वैसे भी मुझे बचपन से ही शौक था, अल्लाह ने आवाज बहुत अच्छी दी थी, और एक बार अफजाल साबरी, ये मेरे ताजा भाई थे, हम देवबंद के रहने वाले हैं पहला किला, तो हमारे वाली साहब जो थे वो बहुत नाराज थे गाने बजाने से। अच्छा, संगीत से। तो मैं अपने भाइयों के पास, जैसे वो रियाज करते थे उनके पास चला जाता था, जो वो गाते थे मैं बाहर गाता था, इस तरह ही बढ़ता चला गया। तो एक देवबंद में बैंड वाला था अल्लू जी, जी मास्टर अल्लू, उन्होंने कहा यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा गाता है, उसको कोई बारात होगी शायद तगड़ा होगा, तो वो मुझे ले गए और चले गए। मैंने भाई तुम्हें गाना है माइक? अच्छा अच्छा। मैंने भाई मेरे एक याद है कि एक ही गाई हो, तो सब पिक्चर आई थी बॉबी। अच्छा अच्छा, ऋषि कपूर साहब। तो मैं गाना था वो, मैं नहीं बोल रहा जहाँ मैं नहीं बोल रहा वो मेरे याद। अच्छा, उनका क्या बोलते हैं, चंचल, चंचल साहब का जी। तो पूरी बारात में मैंने वही गाया, तो पूरी बारात ने यही सुना, अरे क्या बात, पहले मैं यही गाते रहा हूँ। अच्छा अच्छा है जी। तो मैं कभी कवालों के साथ भी चला जाता था, इस तरह मेरे घर वालों को नजर गया ये तो भाई लग गया लैन, फिर हल्के हल्के बैंड लाइन पे मेरी जो अशोक बैंड वालों ने सुन लिया। अच्छा, सहारनपुर, सहारनपुर ये लिया है जी जी, इस तरह मेरा बैंड लाइन। तो जैसे कि आज आज के दौर में आपका नाम पूरे भारत में है खास साहब कल्लन, तो ये कल्लन नाम आपका कैसे पड़ा? मैं साथ एक काला था जी, तो माँ मेरी माँ कहा करती थी जी, कल्लन बाप कल्लू कहा करते थे हमारे जी, जी, जी। और इसी वजह से मेरा नाम कल्लन कल्लन, वैसे मेरा असली नाम मोहम्मद सलीम। अच्छा अच्छा जी, असली नाम मेरा मोहम्मद सलीम। दोस्तों इनका असली नाम मोहम्मद सलीम है, सलीम खान साहब, और ये कल्लन खान साहब के नाम से मशहूर है पूरे भारत के अंदर बैंड लाइन में। और बैंड लाइन में मैं जहाँ तक मैंने सुना है आज तक अपने जीवन में, तो मैंने इनसे बढ़िया गायकी, इनसे सुंदर गायकी, इनसे साफ, इनके शब्दों को जो मैंने सुना है आज तक किसी की नहीं सुनी, क्योंकि इनकी खास बात जो है रफ़ी साहब के गीत गाते हैं, किशोर साहब के गाते हैं, मुकेश के गाते हैं, मगर जिनके गीत गाते हैं ये उसी नक्शे कदम पर और उन्हीं की तरह गाते हैं, उसी रूह में ढल कर गाते हैं। तो सर मैं एक छोटा सा गीत रफ़ी साहब का कोई आप सुना दें हमारे दर्शकों को। रफ़ी साहब तो सुनने वाले, लेकिन मैं अभी रेशमा को सुना जी जी जी, रेशमा को सुना जी। बिछड़े क्या बात है, बस कल पर सो जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में परसो, मौत नहीं तेरी क्यों आई है,
बाग उजाड़ेंगे खिलने से पहले, पंछी भी जड़ गए मिलने से पहले, पंछी भी जड़ गए मिलने से पहले, कोयल की कूक ने हूँ उठाई है, क्या बात है, लंबी जुदाई चार दिनों का प्यार।